बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 6, जिसका नाम है भगवान के डाकिये, इसका हम लोग पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न करेंगे। इससे पहले के प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा किया था और आज हम लोग दूसरे प्रश्न से करेंगे, जिसमें कि दूसरा प्रश्न है कि आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इसमें यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखना है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए। तो शुरू करते हैं हम लोग उत्तर 2, और इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पाठ से आगे। और इसका उत्तर 2 हम लोग करेंगे। पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान यहाँ पर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि आज संसार में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। इससे व्यक्ति जब चाहे इससे व्यक्ति जब चाहे जहां से चाहे पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हमें समझ नहीं आती,
पेड़ पौधे पहाड़ उन्हें भली प्रकार समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे पहाड़ उन्हें भली प्रकार उन्हें भली प्रकार समझ पाते हैं, इनका संदेश इनका संदेश किसी एक देश के लिए नहीं होता, किसी एक देश के लिए नहीं होता, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए होता है, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए होता है। इस प्रकार इंटरनेट भी सूचनाओं का एक विस्तृत जाल है, इसके माध्यम से संसार की किसी भी सूचना को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है, इससे व्यक्ति अपनी जान पहचान वालों को जब चाहे जहाँ चाहे संदेशों को भेज सकता है। इसी तरह से इसमें 10 पंक्तियां पूरी की जा सकती हैं। और अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखे। तो डाकिये की जो भूमिका है उसके बारे में लिखना है। यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे।
तीसरा प्रश्न हम लोग करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे प्रश्न 3, उत्तर 3। हमारे जीवन में डाकिये की अहम भूमिका है। हमारे जीवन में डाकिये की अहम भूमिका है। क्योंकि आज भी डाकिया दूर दराज बसे गांव तक हमारे पत्र व मनी ऑर्डर पहुंचाता है। डाकिये से हमारा व्यक्तिगत संपर्क होता है। डाकिये से हमारा व्यक्तिगत संपर्क होता है। वह कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत लगन और परिश्रम से करता है। डाकिया गांव के लोगों के लिए देवदूत के समान होता है। क्योंकि वह
उनके लिए मनी ऑर्डर लाता है। जिससे उनका चूल्हा जलता है, जिससे उनका चूल्हा जलता है। डाकिया सुबह से शाम तक डाकिया सुबह से शाम तक कड़ा परिश्रम करके जगह जगह घूम कर पत्रों को वितरण करता है। पत्रों का वितरण करता है। इस प्रकार डाकिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर जो है अगला प्रश्न, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये है प्रश्न 3, और इसे सभी विद्यार्थी अपने से भी लिख सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। तो अब हम लोग जो अगला प्रश्न करेंगे वो है कि किन पंक्तियों का भाव है क पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो यहाँ पर पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो ये पंक्ति यहाँ पर लिखना है, जो सभी बच्चे अपनी पुस्तक से कविता से ये पंक्ति लिख सकते हैं। और ख है यहाँ पर प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो ये जो है कविता की पंक्ति है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो यहाँ पर जो है ये पंक्ति लिखना है कविता से देखकर। और अब अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। इसमें अनुमान और कल्पना में एक लेख तैयार करना है जो सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि इस पर सभी बच्चे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डाकिए प्रश्न है कि डाकिए इंटरनेट के वर्ल्ड वेब तथा पक्षी और बादल इन तीनों संवाद वाहकों के विषय में अपनी कल्पना से एक लेख तैयार कीजिए। तो यहाँ पर इसमें ये लिखा जा सकता है कि हमारे डाकिए हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन्हें देवदूत भी कहते हैं, क्योंकि चाहे गर्मी हो या सर्दी हो ये अपना काम करते रहते हैं। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा जाता है, और इंटरनेट जो है वो आजकल के युग का सबसे बड़ा आविष्कार है, जिससे हम घर पे बैठे बैठे अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर खोज सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो इंटरनेट के माध्यम से हम कर सकते हैं, किसी भी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, और कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम जानना चाहें
वो हम उससे खोज सकते हैं। यहाँ तक कि हमें जो है कहीं का पता भी जानना होता है और उसके बारे में रास्ते, जिस मार्ग से हम कभी नहीं गए हैं उसके बारे में भी अगर हम जानना चाहें तो उसके माध्यम से जान सकते हैं। तो इस तरह से इस पाठ में हम लोगों ने इन प्रश्नों को किया, और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।